तो बहुत लोग ना पूछते हैं दीदी स्प्राउट मूंग आप कैसे करते हैं। तो ये डब्बा जो है ना प्लास्टिक वाला, यहाँ पे देख सकते हैं अभी रखे हैं, इसको ना बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ देंगे। फ्रिज में करें रखेंगे ना तो ये अंकुरित नहीं होगा, तो इसको ना बाहर में नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ देंगे। ये बहुत ही अच्छा अंकुरित हो जाता है, सुबह आपको दिखाएंगे। तो अभी हमारा डिनर बन रहा है और साथ साथ ये सब भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कब करेंगे। और फिर से हमारे घर में घी खत्म हो गया। बाबा कोई कहेगा कि घी आप पीती हैं क्या, मेरे को भी लगता है कि क्या हम घी पीते हैं, इतना जल्दी घी कैसे खत्म हो गया। 1 kg घी बनाए थे, आप लोग बताइएगा 1 kg घी कितना दिन चलना चाहिए हमारे घर में। बाबा इस बार कौन पिया मेरे घर में घी, सुबह उठ के पूछेंगे कौन पिया है घी बैठ के। यहाँ पे फिर से 350 ग्राम का बटर है, उसका घी बनाने वाले हैं, क्योंकि घी के बिना चलता नहीं है। लास्ट वीक ना बिरयानी भी बना था, हाँ हलवा बना था, बिरयानी बना था, और ये सब मैं अच्छे क्वांटिटी में भर भर के जब तक घी ना पड़े तो स्वाद आता नहीं है, क्या सही बोले कि नहीं। और उधर हमारा डिनर भी बन रहा है, उधर घी चढ़ा दिए हैं, उसके बाद दाल बन चुका है, राइस चढ़ा हुआ है, कुकर में सब्जी बन चुका है। इतना मल्टी टैलेंटेड हैं हम, बताइए तो हैं कि नहीं है। एक लाइक बनता है कि नहीं बनता है बताइए तो। इतना सारा काम करते रहते हैं, यही तो आप लोग का प्यार है, हमेशा इतना प्यार देते हैं, इसीलिए रात में भी वीडियो कभी भी कैमरा उठाते हैं वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिनर बन चुका है, देखिए रात में आप लोग रात में क्या खाते हैं। मेरे यहाँ ना राइस बना है, दाल बना है, आलू बैंगन का सब्जी बना है, और होम मेड पापड़ जो हम लास्ट ईयर बनाए थे वो बनाए हैं। तो बस आप लोग बताइए रात में आप लोग के यहाँ क्या बनता है। मेरे यहाँ तो 2-3 दिन ना फिक्स रहता है, चावल बनेगा ही बनेगा, ऋषित का डिमांड रहता है। तो हमारा ना हर दिन का ना अलग अलग डिनर रहता है,